मेरे एक दोस्त को एक शख्स से मोहब्बत हो गई और काफ़ी सालों पहले की बात है। और वो जब भी मुझसे मिलता था हमेशा उसकी बातें, हर टाइम एज इफ ही वॉज ऑब्सेस्ड, यानी घंटों घंटों की बातें। मैं टॉपिक चेंज भी करूँ, मैं कहूँ यार बस कर, बस हो गया। एंड ही वॉज लाइक टॉकिंग अबाउट हर ऑल द टाइम। एंड सुभान अल्लाह, एक और भी काउंसलिंग केस मेरे पास आया और वो सुभान अल्लाह हुआ कि हार्ट ब्रेक का केस था और वो बन नहीं सकी आपस में। तो वो भी अगेन मैं उसकी घंटे के लिए उसकी बात सुन रहा हूँ, फिर उसकी काउंसलिंग कर रहा हूँ। एंड अगेन एट द एंड ऑफ द डे ही कम्स बैक टू दैट गर्ल अगेन, बट तो अभी वो नहीं निकलती। और जब भी बात करना उस लड़की के बारे में बात करना, अल महबूब मफ्तू फ्रीक्वेंटली रिमेंबर्स द वन हुम यू लव। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह कहते हैं अलामतुल हुब्बि दवामा ज़िक्री, मोहब्बत की अलामत यह है कि इंसान अपनी ज़बान पर उसका जिक्र कर रहा हूँ। आप देखें जिसको मोहब्बत होती है वो उस बंदे का या बंदी का या इवन जो मैरिड कपल होता है, अगर जिसको वाकई में मोहब्बत है वो आपस में आप एक दूसरी बात कर रहे होते हैं, दे वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर, दे वॉन्ट टू प्रेज ईच अदर और हर टाइम उसकी बात। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जो मोहब्बत करता है वो अल्लाह का जिक्र क्या नहीं करेगा। अल्लाह ताला ने हमें हर टाइम जिक्र करने का हुक्म दिया है, हर टाइम। यस आई मीन इट लिटरली, यानी जंग में भी अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़थबुतू, ए लोगो जब तुम किसी लश्कर से मिलो तो स्टेडफास्ट हो जाओ। और क्या करना है, तुम्हारे पे बम गिर रहे हैं, तुम्हारे पे यानी बुलेट्स फायर हो रही हैं और लोग मर रहे हैं, वज़्कुरुल्लाह कसीरा और कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ। अल्लाहु अकबर। यस इन द बैटल फील्ड तुमने वहाँ भी अल्लाह को नहीं भूलना, बिकॉज यू आर द वंस हु लव अल्लाह सुब्हान व तआला। तो अल्लाह ताला का जो जिक्र है ना, ये बड़ी चीज़ है। हमें हम अपने आप को ना ज़रा देखें कि हम अल्लाह का कितना जिक्र करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी जो आँखों की ठंडक है ना वो नमाज में रख दी गई है। यानी प्राइवेट मोमेंट्स और मोहब्बत। और इब्ने क़य्यिम अल-जौज़ी कहते हैं कि कुर्रतु आयुन मोहब्बत से ऊपर का दर्जा है कि इंसान को, देखिए मोहब्बत में यूजली एंजाइटी भी होती है, मोहब्बत में यूजली बेचैनी होती है, टफनेस और हार्डशिप से इंसान गुजरता है। लेकिन जब कुर्रत आयुन मिल जाए ना, किसी चीज़ से मोहब्बत भी हो और उसमें आंखों की ठंडक नसीब हो, तो ये मोहब्बत के ऊपर ही कैटेगरी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी नमाज में मेरी कुर्रत आयुन है, मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह अकबर, कि उनको जो प्राइवेट मोमेंट अल्लाह ताला के साथ मिलते हैं नमाज में, उस वजह से नमाज आंखों की ठंडक बन गई उनके लिए। सो मैं और आप क्या करते हैं जब हम अकेले होते हैं? अल्लाह ताला टेस्ट ज़रूर करेंगे, ट्राई ज़रूर करेंगे, मुसीबतें आएंगी, लेकिन जान लें कि अल्लाह ताला आपको मुसीबतों में डालना नहीं चाहते। अल्लाह ताला सिर्फ टेस्ट करें कि मेरा बंदा कितना सच्चा है मेरी मोहब्बत में। तो प्रूफ तो करके दिखा, फिर देख ममैया तक़िल्लाह यजअल्लहु मखरजा वयरज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब। फिर हम तकवे के, तुम तकवा लेके आओ, फिर हम दरवाजे खोल देंगे, दरिया और समंदर बहा देंगे तुम्हारे लिए। अल्लाह तो अलग पसंद नहीं कि कोई इंसान मुश्किल से गुजरे, लेकिन बस अल्लाह ताला टेस्ट करते हैं कुछ टाइम के लिए और वो इंसान को मज़ीद अपने करीब करना चाहते हैं।